सो हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो अच्छे हो जाइए, क्योंकि शानदार ट्यूटोरियल आ चुका है। तो आज मैं लेंस ब्लर का ट्यूटोरियल लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही शानदार ब्लर वाला इफेक्ट है। अगर इसे यूज़ करोगे शॉट में तो बहुत अच्छा लगेगा। जो आजकल ये मूवी वाली अगर शॉट बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग ये यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखना पूरा बना पाओगे, ज़्यादा बड़ा ट्यूटोरियल है नहीं। तो बहुत से लोगों की शिकायत है कि यार ट्यूटोरियल टाइम पर नहीं आ रहा। तो यार अभी थोड़ा एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए नहीं आ पा रहा है। थोड़े दिनों में मैं जो है एग्जाम देके फेल हो जाऊँगा, तो तुम्हारे लिए ट्यूटोरियल लेना शुरू कर दूँगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो एक बार एग्ज़ाम दे देता हूँ और बस जल्दी मैं जो है 5-6 दिन बाद एग्ज़ाम है और फेल हो जाऊँगा। 5-6 दिन ही मतलब, ये 17 जुलाई को एग्ज़ाम है। मैं फेल होने के बाद तुम्हारे लिए पक्का बहुत जो है वीडियो लाऊंगा और एक एक दिन छोड़ के सारी ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। ठीक है, तो एक बार इसका प्रीव्यू देख लो यार। सो भाई, कितना स्मूथ लेंस ब्लर इफेक्ट है, बहुत ही मस्त लगेगा सही में यार। इसका ट्यूटोरियल पूरा देखना, मज़ा आ जाएगा तुमको। तो एक बार चलो शुरू कर लेते हैं फटाफट से। फटाफट से शुरू कर लेते हैं। अभी आपको क्या करना है, अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो अलाइट मोशन को ओपन कर लेने के बाद ना, सिंपली अपनी जो है वीडियो या मीडिया ले लेना। ठीक है, फोटो वीडियो जो भी है। अभी इसमें एड इफेक्ट में जाना और देखो लीनियर स्टिक्स नाम का जो है एक टेक्स्ट लेना है आपको। ठीक है, तो लीनियर स्टिक्स आप यहाँ देख सकते हैं, लीनियर स्टिक्स नेम है, इसको लेना है। देखो अभी की एनिमेशन देना है। अभी एक ही एनिमेशन स्टार्ट में दे दिया, एक ही एनिमेशन थोड़ा आगे देना है। अब वो तुम देख सकते हो कितना आगे देना है। ठीक है, जितना तुमको बड़ा ये इफेक्ट चाहिए उतना तुम आगे दे सकते हो, छोटा चाहिए तो जहाँ पे अभी है वहाँ दे सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल जीरो कर देना है स्ट्रेंथ। ठीक है, और अभी एक एंड में की एनिमेशन दिया और एक उससे थोड़ा सा आगे, और एंड में आपको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, पूरा बढ़ाया हुआ रखना है कहाँ पे, स्ट्रेट स्टार्टिंग पे। ठीक है, और आगे आए तब बिल्कुल जीरो कर देना है। यहाँ पे जो है एंडिंग में आपको बिल्कुल बढ़ा देना है। अभी इनके बीच में जाना है और ग्राफ में जाने के बाद तुमको इस तरह का ग्राफ बनाना है, ये एंडिंग में लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग का ग्राफ कैसा बनाना है मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पे एंडिंग के मतलब स्टार्टिंग के दोनों की एनिमेशन के बीच में आओ और यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ जो है तुम्हें बनाना है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, वापस देख लेना, बहुत ईजी है। देखो इस तरह का ग्राफ जो है स्टार्टिंग में है और एंडिंग में तुमने देख लिया है। अभी इनका एंगल जो है तुम चेंज कर देना। ठीक है, तो कैसा है एक बार यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है इफेक्ट, हाँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसको देख के ना तुम थोड़ा सा एंगल चेंज कर सकते हो, चाहो तो एंगल चेंज कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, करोगे तो अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो कर लेना इसको। अभी इस इफेक्ट का डुप्लीकेट करो, एक और इफेक्ट अपने को लेना है। ठीक है, अभी इफेक्ट को लेने के बाद ना इस दूसरे वाले का एंगल एकदम सही कर दो, जीरो कर दो। ठीक है, तो अपन ने उसमें एडजस्ट किया, इसमें आप जीरो कर सकते हो, जीरो कर देना। ठीक है, जीरो कर लेने के बाद ना तुमको देखो एक लास्ट इफेक्ट और लेना रहेगा, जिसका नाम है गोशन ब्लर। बहुत इजी है, बहुत इजी है, तुम बस एक बार ही गोशन ब्लर ले लो, इसके बाद काम खत्म हो जाएगा पूरा। गोशन ब्लर अभी यहाँ पे इफेक्ट में ढूंढ लेना, मिल जाएगा तुम्हें, बस ब्लर लिखना है। गोशन ब्लर में भी देखो वहीं पे की एनिमेशन देना जहाँ पे पहले दिए थे। ठीक है, अपना अलग से की एनिमेशन नहीं देना है। अब इसमें भी यहीं पे की एनिमेशन, तो यहाँ पे दो, यहाँ पे बिल्कुल गोशन ब्लर जीरो कर दो, स्टार्टिंग में था थोड़ा, अब यहाँ पे जो है एंडिंग में की एनिमेशन दो, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है, 20 या 30 तक। ठीक है, तो इतना बढ़ा देना, सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हारा पूरा जो है ये इफेक्ट बन चुका है। अभी इसको कॉपी करो और हर एक मीडिया में तुम डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे आगे वाली है वीडियो इमेज जो भी है इसमें तुम अपना पेस्ट कर देना। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ना आप देखो, अगर की एनिमेशन तुम थोड़ा और बढ़ा देना चाहते हो तो इस तरह देना है। ठीक है, ये देख सकते हो की एनिमेशन को होल्ड करके आगे सिरका देना है। ठीक है, तो देखो थोड़ा लैग कर रहा है, क्योंकि यार थोड़ा हार्ड इफेक्ट है ना, इसलिए लैग कर रहा है। तुमको सारे इफेक्ट जो की एनिमेशन है उनको आगे खिसका देना है, मतलब स्टार्टिंग में जो है थोड़ा आगे ले लो, ऐसे थोड़ा जो है इफेक्ट मतलब बड़ा दिखेगा, मतलब बड़ा बनेगा। ठीक है, अच्छा लगेगा, वो भी बहुत अच्छा लगता है, कई लोग वो भी यूज़ करते हैं। सो कोई भी यूज़ करो, अच्छा लगेगा। तो अभी तुम्हारा वीडियो रेडी है। ओके दोस्तों, बाय बाय।